न्यायधानी बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड चौक में एक व्यक्ति की शराब की बोतल से गले में ताबड़तोड़ वार करते हुए हत्या कर दी गई थी। मृतक राहुल सिंह चौहान को शहर के पुराना बस स्टैंड शराब भट्टी के सामने सामान्य लड़ाई झगड़ा पर आरोपी दीपक ठाकुर के द्वारा वहां पड़े शराब की टूटी हुई बोतल से गले में प्राण घातक हमला कर दिया गया, जिससे राहुल सिंह चौहान की मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरे मामले की जानकारी मिलते ही बिलासपुर पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर स्वयं पहुंचकर मुआयना करने लगे और वहां के दुकान वालों से पूछताछ करने लगे। पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगे। प्रार्थी हरीश सिंह चौहान के तारबहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया और तारबहार पुलिस और साइबर की टीम ने रायपुर, भाटापारा एवं बिलासपुर के कुछ ठिकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने, जिसमें आरोपी का चेहरा दिखाई पड़ा और मुखबिर से सूचना प्राप्त करते ही आरोपी को पुलिस ने योजना बनाकर पकड़ लिया। पुलिस के द्वारा आरोपी दीपक ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुराना बस स्टैंड में 25 अगस्त को एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें राहुल चौहान नाम के व्यक्ति को बोतल की कांच से जो है गर्दन में वार किया गया था। और घटना के तुरंत बाद जो है 112 की टीम के साथ जो है तारबहार पुलिस और ज़िले के सभी वरिष्ठ अधिकारी, एसीसीयू की टीम सभी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसमें तत्काल मर कायम कर अपराध दर्ज किया गया था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर आरोपी की पहचान की गई थी। और आरोपी जो है विगत 17 दिनों से लगातार इधर उधर लुक छिप रहा था और फरार था, जिसके लिए एसीसीयू तारबहार की टीम और इसी बीच उसके द्वारा सरकंडा क्षेत्र में एक और व्यक्ति के साथ चाकूबाजी की घटना की गई थी, जिस पर अपराध दर्ज किया गया था। उसके बाद से सरकंडा की टीम भी उसके पीछे लगी थी और उसको आज जो है दिन में बिलासपुर पुलिस को ऐसे सातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और उसको न्यायालय पेश किया गया है। कारण क्या है, क्यों ऐसे, क्योंकि छड़ी किसी का विवाद कुछ हुआ है समझा? पूछताछ से ये पता चला है कि तात्कालिक विवाद पर से उसने जो है उसकी हत्या की थी। मौके पर उपस्थित गवाहों से भी ये पता चला कि इसके द्वारा वहाँ कुछ नशे का सामान तलाश किया जा रहा था पुराना बस स्टैंड में, जिस पर मृतक के द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और इसके प्रतिक्रिया में आरोपी के द्वारा उसकी कांच की बोतल जो है वो तोड़कर गर्दन में वार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उस समय कंडीशन क्या था, आरोपी का बैकग्राउंड बताइए, उस समय आरोपी किस कंडीशन में था? आरोपी नशे में था, इसके द्वारा जो है शराब का भी सेवन किया गया था और अन्य नशे का भी इसने सेवन किया था। और मृतक भी जो है वो पुराना बस स्टैंड शराब के लिए ही गया हुआ था और इसी में क्षणिक विवाद पर से उसकी हत्या की गई थी। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में 3 आर्म्स एक्ट, आबकारिक मामला, चोरी का मामला, ऐसे बहुत सारे मामले दर्ज हैं। ये आदतन अपराधी है और इसीलिए जो है लगातार ये सातिर तरीके से छिप रहा था और पुलिस के द्वारा जो है लगातार इसको तलाश की जा रही थी। क्योंकि किसी प्रकार का मोबाइल इस्तेमाल उसके द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए तकनीकी साक्ष्य नहीं थे। विशुद्ध रूप से बेसिक पुलिसिंग और मैनुअल आधार पर जो है उसको पुलिस ने पकड़ा। आदतन उसके जो प्रकरण है वो पुराने प्रकरण है, उसमें वो पहले ही उसके ऊपर आरोप लगाए जा चुके हैं, उसमें कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बारे में जो है मेडिकल जांच पर सही पता चलेगा।